हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत रत्न संविधान निर्माता सामाजिक न्याय की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब द्वारा बनाए गए राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर प्रतिमा पर बाबा साहब के संविधान की शपथ ली। शपथ ग्रहण के पूर्व सभी ने इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आरपीआई इंदौर शहर अध्यक्ष नानिश ताड़े ने कहा कि हम हमेशा बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलेंगे। देश में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं सर्वहारा वर्ग के लोगों के लिए बाबा साहब ने सदैव कार्य किया है। संविधान निर्माण कर बाबा साहब ने देश के हर वर्ग का ध्यान रखा है और वे हमारे लिए हमेशा पूजनीय है। इस अवसर पर कार्यकर्ता जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा तथा बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे के नारे लगा रहे थे। आज माल्यार्पण के दौरान मुख्य रूप से आरपीआई इंदौर शहर अध्यक्ष नानिश ताड़े, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रहलाद ताड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश सुद्रास, पूर्व जिला अध्यक्ष पीसी रायपुरे सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंडिया की ओर से आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर किस तरह से आप लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं? रिपब्लिकन पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी, और कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं संविधान ऐसा होएगा, संविधान वैसा होएगा। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। SC ST दलित समाज शिक्षित भी हो चुका है, संगठित भी है और संघर्ष भी कर रहा है। इन सारी बातों को देखते हुए आज राष्ट्रपति रमजा समाज से है, केंद्र मंत्री रिपब्लिकन पार्टी है रामदास जी आठवल है। अरे हमारी दलितों की SC ST की इतनी ताकत बढ़ चुकी है कि कोई ऐसी ताकत नहीं है कि संविधान के और तो क्या किसी दलित को भी क्षति पहुंचा सके। इसका कहकर मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी रामदास जी आठवले, हम सभी लोग इंदौर में पार्टी का कार्य करते हैं, जय भीम। भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की पुण्यतिथि आज पूरे देश में बड़े विनम्र नम्र आंखों के साथ बनाई जा रही है। आज सुबह ही पार्लियामेंट के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास जी आठवले साहब, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई है। आज इंदौर शहर के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता हर जिले में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा है उसको आगे बढ़ाने के लिए आज संकल्पित होकर संविधान की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं।